और इस नशे ने पूरे राष्ट्र को बर्बाद करके रखा है। नशा करो तो सही, नशा ऐसा करो कि उतरे ना, जैसा नशा हमारे वीर भगत सिंह ने किया था अपने देश की आजादी के लिए। और ऐसा नशा जिस युवा पे चढ़ जाए उससे फिर राष्ट्र का कल्याण होता है, लेकिन नशा भी हम हल्का लेते हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद करता है। इसलिए क्या कहा, सब नशे में डूबे हैं, दो लाइनें, सब नशे में डूबे हैं भारत के कर्णधार, देखो नशे में डूबे हैं भारत के कर्णधार, देखो नशे में डूबे हैं शेरों के ये बच्चे खेल पत्ते वीर सन सन, सब नशे में डूबे जग जाएंगे भारत के कर्णधार, देखो सब 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 जग जाएंगे। लेकिन ये सिखाएगा कौन, ये सिखाएगी हम आप जैसी मातृशक्ति, क्योंकि बच्चे का जो निर्माण होता है ना मुख्य पंचवर्षाणि लालये, जो नामकरण संस्कार के पश्चात पिता माँ के हाथ में संतान देता है और कहता है पंचवर्षाणि लालये, ये समय होता है संतान को अच्छा और बुरा सिखाने का, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात का ज्ञान कराने का। लेकिन दुर्भाग्य इस भारत का, जिसको निर्माण करना था उसने ही निर्माण करना अब छोड़ दिया है। सबसे हल्के में अगर कोई काम किया जाता है तो वो है संतानों का निर्माण। 16 संस्कार में केवल दो ही संस्कार मुख्य रह गए अब, एक विवाह संस्कार और दूसरी तो होनी होनी है जी सबकी, है ना, वो चाहो या ना चाहो वो कर दी जाएगी, बच्चे करे ना करे समाज वाले फूकाएंगे आपको। 16 संस्कारों में 4 संस्कार 3 संस्कार गर्भस्थ शिशु के ही हो जाते हैं, गर्भाधान पुंसवन सीमंतों ने, तब जाके संतान का जन्म होता है। और जिस माँ ने इन 3 संस्कारों को नहीं समझा, जिस पिता ने इन 3 संस्कारों का नहीं समझा, वो फिर संतान का अच्छे प्रकार से निर्माण कभी भी नहीं कर सकते। कभी ऐसा समय मिलेगा तो विस्तृत व्याख्या की जाएगी, समय की अधिकता है। और केवल एक अंतरे के साथ वाणी को विराम करूंगी, महर्षि का अगर गुणगान नहीं किया तो ये सभा मेरे लिए अधूरी रह जाएगी। केवल एक लाइन और उसके बाद वाणी को विराम, चाहूंगी आप सभी सहयोग करें। क्या करें,